हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी का। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लेट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि तबीयत थोड़ी कल ठीक नहीं थी, ठीक है, तो कंटेंट वगैरह रेडी नहीं हो पाया था उतना, ठीक है। तो आज प्रयास है फिर, ठीक है, चलिए। खैर, तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, उनकी जो ब्रांचेज हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी है ना, और पॉजिटिव इकोनॉमी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप अपना वो वीडियो जो है देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली जो बीपीएससी, पीजीटी, इकोनॉमिक्स और यूपीटीजीटी, पीजीटी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, राइट, एमपी टेट वर्ग वन, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं। ईएमआरएस में ये टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, ईएमआरएस में इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक नहीं है, तो वहाँ से आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो बाकी जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सारे टॉपिक्स जो हैं हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की क्लासेज हमारी कंटिन्यूस चल रही हैं, और इसी बीच हम लोगों ने अपना स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट किया है, ठीक है, और ये जर्नी यूं ही आगे चलती रहेगी, ये अनवरत चलती रहेगी। और आपको हर रोज़ कॉमर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको डेली बेसिस पर चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया आप यहाँ पर सीखेंगे 101%। तो इसीलिए जितने भी आपके नोइंग हैं सबके साथ इस वीडियो को, चैनल को शेयर कर दो, जो भी कॉमर्स फील्ड से जुड़ा हुआ है, ताकि उनके लिए किसी भी लेवल पर ये वीडियोज़ जो हैं हेल्पफुल हो सके। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए, प्रोडक्शन उत्पादन, पॉसिबिलिटी संभावना है तो उत्पादन की क्या संभावनाएं हो सकती है। अब यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी जो है थोड़ी सी एक अजम्पशन दे देता हूँ, थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होती हैं। अब मान के चलिए कि जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास एक रिसोर्सेज अवेलेबल है उस रिसोर्सेज का यूज़ करके हम मैक्सिमम आउटपुट कर सकें, मैक्सिमम आउटपुट जो है जनरेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनका जो है मल्टी यूज़ कर सकें, है ना, केवल एक ही चीज़ का प्रोडक्शन ना करके हम जो है एक से ज़्यादा का प्रोडक्शन करें। जैसे मान के चलिए आपके पास लैंड है, ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि उस लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, तो मैं एक से ज़्यादा जो खेती है उनका प्रोडक्शन मैं कर सकूं, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ देखेंगे कि अगर हम किसी भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और उससे कोई प्रोडक्ट ए, मान के चलिए कोई एक प्रोडक्ट ए है, ठीक है, मान के चलिए प्रोडक्ट ए है, ठीक है, तो मैं उस रिसोर्सेज को प्रोडक्ट ए में लगाता हूँ और कुछ रिसोर्सेज, उसमें से कुछ रिसोर्सेज मैं किस में लगाता हूँ, प्रोडक्ट बी में लगाता हूँ। तो अब देखना ये है कि मैं इसमें से मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरी, जो मैं ए और बी इन दोनों के साथ प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर मैं ये सोचूंगा कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊँ। तो मुझे ये सवाल, मेरे सामने अब से ये सवाल आता है कि मैं जो गुड ए है उसका कितना प्रोडक्शन करूँ और गुड बी जो है उसका कितना प्रोडक्शन करूँ, ताकि जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। अच्छा, आप मैक्सिमम प्रॉफिट केवल तभी जनरेट कर सकते हैं जब आपके पास, या जब आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट आउटकम जो है किसी भी दो गुड्स के प्रोडक्शन का, वो हमें बताती है किसके साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, माने आपकी जो सीमित संसाधन है ना, उनका उपयोग करके आप दो वस्तुओं का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या बताता है, पीपीसी बताता है या पीपीएफ बताता है। अच्छा, ये कब होगा, ये तब होगा जब आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। एफिशिएंसी इंप्रूव कब होगी, जब आप अपनी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, या आप ये कह लीजिए कि जब आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तभी आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वरना क्या होगा, या तो आपकी रिसोर्सेज वेस्टेज होंगी या आप उनका अंडर यूटिलाइजेशन कर पाओगे, है ना।
आगे हम कर्व के माध्यम से इसको समझेंगे. द कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू हेल्प एन इकोनॉमी टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमली. अवधारणा को संसाधनों के वितरण को बेहतर ढंग से निर्धारित करने के लिए अर्थव्यवस्था में मदद के लिए लागू किया जा सकता है. कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी एक प्रोड्यूसर के तौर पर आप समझिए कि आपके पास जो है दो गुड्स हैं, गुड ए और गुड बी. आप और यहाँ पर क्या है, उनकी यूनिट्स लिखी हुई हैं. तो आप किस यूनिट का कितना प्रोडक्शन करते हैं वो डिपेंड करता है. ठीक है, आप किस यूनिट का कितना प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो ये एक चीज़ है. जैसे यहाँ पर हम जब देखेंगे तो ये हमारा कर्व है. यहाँ पर गुड वाई ले लो और यहाँ पर गुड एक्स ले लो. ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर यूनिट्स दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. ऐसे यहाँ पर दे रहा है गुड वाई में. तो हो क्या रहा है, यह आपको ए बी और इसको जी नाम दे दो और इसको आई नाम दे दो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जो गुड वाई है और जो गुड एक्स है, एक तो हम यहाँ पर इसका प्रोडक्शन, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है और एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है ना. तो आप इनको अलग अलग नाम दे सकते हो. तो आप गुड और एक्स, गुड एक्स और गुड वाई का प्रोडक्शन एक ही जो दी हुई रिसोर्सेज है, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो किसी भी रिसोर्सेज में कोई चेंज हो रहा है, ना ही टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो रहा है. तो इस कर्व को करने से पहले हम सबसे पहले अजम्पशन समझ लेते हैं कि किन चीज़ों को हमें पहले से ध्यान में रखना है. पहली चीज़ क्या है कि हमें केवल दो गुड्स लेनी है और वो भी उन दो गुड्स को लेना है जिसमें हम सेम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, माने सेम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं. जैसे दो फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो रिसोर्स चाहिए वो लैंड है, तो दोनों के लिए कॉमन रिसोर्स क्या है, लैंड है. हम कोई भी ऐसी दो गुड्स नहीं लेंगे जिनका आपस में रिसोर्सेज मैच नहीं होती है, जैसे टायर और वीट, तो दोनों के लिए टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज बिल्कुल अलग अलग चाहिए. तो रिसोर्सेज एक होनी चाहिए और उनसे हम कोई दो आउटपुट क्रिएट कर सकें. दूसरी चीज़ क्या है, रिसोर्सेज फिक्स रहेंगी, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा. टेक्नोलॉजी और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, माने तकनीक बिल्कुल कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी, कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, और हमें जो रिसोर्सेज दी गई हैं उनका हमें पूरी दक्षता के साथ उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. ठीक है, उनका वेस्टेज नहीं करना है, उनका अंडर यूटिलाइजेशन नहीं करना है. लास्ट, ठीक है, मतलब लास्ट में इसमें इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है कि हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका करना है एफिशिएंटली, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है. तो हमें कुछ चीज़ें हमने लोगों ने पढ़ी हैं कि मेन तीन चीज़ें हैं, रिसोर्स सेम होनी चाहिए और उससे कोई दो गुड्स. अब हमें ये भी मानना है कि इकोनॉमी के अंदर, माने भारत के अंदर केवल दो ही चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है और भारत में केवल एक ही रिसोर्स अवेलेबल है, दैट इज़ लैंड. अब उस लैंड का यूटिलाइजेशन करके हम ये दो चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, आप ये मान करके चलिए. आप उसमें ना तो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ना आपकी टेक्निक चेंज हो रही है, ना रिसोर्सेज में किसी तरह का चेंजेस आ रहे हैं, फिक्स है. ठीक है, एक बीघा ज़मीन है और एक बीघा ज़मीन पर आपको जो संसाधन मिले हुए हैं उन्हीं संसाधनों का यूज़ करके आपको दो फसलों का प्रोडक्शन करना है. तो अब आप कैसे उनका प्रोडक्शन करेंगे वो यहाँ पर बता रहा है. तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, यहाँ पर क्या बन रही हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं. क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक, ठीक है ना. अब अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा यूटिलाइजेशन कर रहा है अपनी जो रिसोर्सेज, माने लैंड का जो यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर यूज़ हो रहा है, एक एक पॉइंट लैंड का जो है वो यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम पहुँच ही नहीं सकते. अब पहुँच क्यों नहीं सकते, अब एक चीज़ समझिए, आपके पास एक बीघा ज़मीन है, ठीक है, और देखो मुझे ऐसे तो एक्चुअली नहीं पता है, जो फार्मर्स वगैरह वो ज़्यादा इस चीज़ों को रिलेट कर सकेंगे. ठीक है, एक बीघा ज़मीन है, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है और उस पर मैं जो है 100 kg, राइट, 100 kg जो है
गेहूं का उत्पादन कर सकता हूं, ये मान के चलिए, ठीक है, 1 बीघा जमीन और 100 किलो अनाज। अब मैं ये चाहता हूं कि 150 किलो अनाज जो है मैं पैदा कर लूं, तो क्या ये संभावना है, क्या ये संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतनी रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं वहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगा भी, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो एक्सिस्टिंग में चीज़ें हैं, जो अभी प्रोडक्शन हो रहा है जिन चीज़ों का, वो कोलैप्स हो जाएंगी और वहाँ पर मुझे एक लॉस बियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर मुझे एक लॉस बियर करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आप बस में चढ़े, जितनी सीट हैं उतनी सीट पर आप बैठे कंफर्टेबली, तो आप कैसे ट्रैवल करोगे? बहुत कंफर्ट के साथ ट्रैवल करोगे, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा, प्रॉपर ब्रीथ ले पाओगे, स्वेटिंग नहीं होगा, मतलब नॉर्मल एक कंफर्टेबल ट्रेवलिंग आप लोग कर सकते हैं, रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को। और वहीं पर एक बस है जिसमें जितनी सीट है उसका 5 या 6 गुना लोग जो है उसमें भरे हुए हैं, ठीक है, ठूस ठूस के उसमें जो है भरे हुए हैं, तो क्या आप जो एक्सिस्टिंग जो सीट पर भी बैठे हुए लोग हैं, क्या वो भी प्रॉपर ब्रीथ कर पाएंगे? कितना सफोकेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, कितनी अनप्रोडक्टिविटी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उस टारगेट पर पहुँचना चाह रहे हैं जिसके लिए रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। तो सेम कहानी ना यहाँ पर है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पर इनएफिशिएंट माने मैंने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया ही नहीं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया तो मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब जब मेरा प्रोडक्शन कम हो गया तो वहाँ से मुझे लॉस बियर करना पड़ा। तो इन शॉर्ट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमें ये बताता है कि हमें किस गुड का कितना प्रोडक्शन करना है, उसकी कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो यहाँ पर हमें बताता है द ग्राफ डिस्क्राइब नंबर ऑफ प्रोडक्ट अ गुड रिप्रेजेंटेड ऑन वन एक्सिस, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे एक्सिस पर है, और ये जो कर्व है ये बॉर्ड आउट है, बॉर्ड आउट माने झुका हुआ। आप देखो ना, यहाँ से इसकी जो यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर ये झुकता 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 यहाँ तक चला गया है ना, और इसकी इस शेप को क्या कहा जाता है, कॉनकेव शेप कहा जाता है। इस शेप को क्या कहा जाता है, कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप का मतलब क्या होता है, कॉनकेव शेप मतलब अवतल आकार, ठीक है। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो पीपीसी कर्व होता है उसकी जो शेप होती है वो कॉनकेव होती है कि कॉन्वेक्स होती है, या आपको 3-4 कर्व उसके नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कॉनकेव शेप जो होती है वो किस कर्व की होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है उसकी जो शेप होती है वो कॉनकेव होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये वाली हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें चेंजेस आते हैं भाई। अभी तक तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्निक, हमारी रिसोर्सेज स्टेबल रहती हैं, फिक्स रहती हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। लेकिन अगर हमारी रिसोर्सेज में है ना, या हमारी टेक्नोलॉजीज़ में है ना, या हमारे जो टेक्निक्स हैं उसमें अगर किसी तरह का चेंजेस आते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमने एक कर्व लिया हुआ है, दैट इज ए बी, ठीक है, दैट इज ए बी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए बी जो है वो शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, ए वन और बी वन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है ना भाई। आप समझो, अभी हमने क्या एग्जाम्पल लिया कि 1 बीघा ज़मीन में हम 100 kg जो है वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर इसकी 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 जो वैल्यू है वो अगर कम हो जाए तो जाहिर सी बात है होने वाला प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बस में अगर एक जो बस है अगर वो 40 सीटर है तो उसमें कितने लोग आ सकते हैं, 40। लेकिन अगर इसकी कैपेसिटी कम कर दी जाए, इसकी कैपेसिटी कर दी जाए 30, तो अब कितने लोग आएंगे, 30 ही लोग आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी रिसोर्सेज कम हो जाती हैं तो हमारा जो कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। किस साइड शिफ्ट हो जाता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो कर्व ए बी है वो किस पे शिफ्ट हो गया, ए वन और बी वन पे। अब ये तो रही कहानी अगर हमारी रिसोर्सेज कम हो जाती हैं। अगर हमारी रिसोर्सेज बढ़ जाएँ, मान के चलिए आपकी 1 बीघा की जगह 2 बीघा ज़मीन हो जाए, तो अब आप क्या करोगे, आप 100 kg की जगह कितना प्रोडक्शन कर लोगे, 200 kg। इसका मतलब आपका जो कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको कह सकते हो आप राइटवर्ड शिफ्ट,
राइट वर्ड कह सकते हो या अपवर्ड भी कह सकते हो, दोनों दोनों अपवर्ड दोनों ही कहा जा सकता है। और इसको डाउनवर्ड कहा जा सकता है ना, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और लेफ्ट वर्ड भी कहा जा सकता है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट क्योंकि ये इधर की तरफ हो रहा है ना, तो लेफ्ट वर्ड भी कहा जा सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो ए और बी कर्व है वो किस पर शिफ्ट हो रहा है, ए वन और बी वन पर। अब आप कहोगे सर कर्व तो वही है, हाँ तो सभी सेम ही तो है, यहाँ पर कम हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए वन क्या है, ए से नीचे है ना, ए वन क्या है, तो पहले क्या कर रहा था, पहले मैं इसकी 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैं इसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 4 क्वांटिटी, और पहले मैं यहाँ पर 4 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था, अब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 5 क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पर पहले मैं इसकी 3 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैं इसकी कितनी कर रहा हूँ, 2। यहाँ पर पहले मैं कितनी कितनी कर रहा था, 2 कर रहा था, अब कितनी कर रहा हूँ, 3, है ना। तो चेंजेस आ गए ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर हमारी रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं तो उसमें भी क्या होगा, हमारा जो कर्व है वो जो है शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं शिफ्ट। जब शिफ्ट और रोटेशन में क्या है अंतर है, रोटेशन कब क्या होगा, एक ही गुड में होगा, या तो गुड एक्स में या गुड वाई में, लेकिन जो शिफ्ट होगा वो पूरा का पूरा होगा, माने आपका गुड एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और गुड वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और साथ साथ में अगर रिसोर्सेज कम होंगी तो आपका गुड एक्स भी जो है उसका भी प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा, और साथ साथ में गुड वाई का भी प्रोडक्शन, माने गुड एक्स और गुड वाई दोनों का प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्लाइन होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रोटेशन की, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, रोटेशन की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स, ठीक है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स, माने गुड एक्स में हम टेक्नोलॉजीज का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और गुड वाई में हम टेक्नोलॉजी का सेम यूज़ कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि गुड वाई के कंपैरेटिवल गुड एक्स में हम रिसोर्सेज का ज़्यादा प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर किसी भी गुड के लिए आप ज़्यादा, माने आपकी ज़मीन है, आप उसमें दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, एक के लिए तो आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं केयर टेकर हो, केयर टेकिंग कर रहे हो, बहुत ध्यान रख रहे हो बिल्कुल, है ना, लाइक उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, और एक का आपने क्या किया हुआ, एक का आपने उसको न्यूट्रल छोड़ा हुआ है, मतलब ध्यान उस पर भी दे रहे हो लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दे रहे हो ना, तो किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉमोडिटी का एक्स का, गुड एक्स का, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉमोडिटी वाई है उसका प्रोडक्शन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो गुड एक्स है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होकर के बी से शिफ्ट होकर के किस पर चला जाएगा, बी वन पर चला जाएगा। अब इसको मैंने रोटेट क्यों कहा है सर, ये रोटेट हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा, हाँ शिफ्ट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा, शिफ्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा, माने गुड एक्स भी और गुड वाई भी दोनों का ही जो है शिफ्ट होगा, दोनों का ही क्या होगा, शिफ्ट होगा। लेकिन अगर केवल एक में ही, अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर गुड एक्स का सेम यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन गुड वाई के केस में मैंने अपनी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उनको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एज को इस तरह से समझो कि घर में दो बच्चे हैं, है ना, एक जो है ठीक है वो खुद ही से सारा काम कर रहा है, ध्यान आप उस पर भी दे रहे हो, खाना भी दे रहे हो, सारी उसके कपड़े भी, सारी चीज़ें आप उसको देख रहे हो, लेकिन आप दूसरे बच्चे को जो है, माने राम और श्याम है ना, राम और श्याम है, तो आप राम का ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, है ना, उसको अच्छी एजुकेशन देना, मतलब सारे काम उसके लिए बहुत परफेक्टली किए जा रहे हैं, एक एक चीज़ का उसका एक एक पॉइंट का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन शाम के साथ उसका ध्यान रखा जा रहा है लेकिन उस स्तर पर नहीं रखा जा रहा, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, राम की, शाम की नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरे केस में आप शाम पर ज़्यादा ध्यान देने लगो तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, शाम की, और राम की उतनी प्रोडक्टिविटी, ऐसा नहीं है प्रोग्रेसिव नहीं होगा, होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना शाम। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सेम कहानी है, ठीक है। तो अगर आप टेक्नोलॉजीज़ का जो यूज़ है वहाँ पर गुड एक्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हो और कॉमोडिटी वाई में उतना अच्छे से नहीं कर रहे हो तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और अगर इसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये एक चीज़ है। तो यहाँ पर रोटेशन और जो है शिफ्टिंग, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन किस तरह का बनता है कि किस साइड शिफ्ट होता है, ये इधर का जो है क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो इसमें मैं दो तीन चीज़ें जो है पहले डिस्कस कर देता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, ठीक है। मान के चलिए कि आपके पास, आप कोई जॉब कर रहे हो या कोई व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति है ना, मैं एग्जांपल के थ्रू ना आप तुरंत समझ जाओगे। एक व्यक्ति है, ये एक संस्था में जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, या छोड़ो चलो ये आप हो, इसे आप अपने आप को मान के चलो, है ना। अब आपकी जो है सरकारी नौकरी लग गई, यू विल बिकम द गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। यू विल बिकम द गवर्नमेंट टीचर, किसी भी इसमें हो सकते हैं, पीजीटी ले लेते हैं, है ना। पीजीटी में आप पीजीटी हो गए, जो कि आप होंगे होंगे निश्चित तौर से, ठीक है। अब 2 4 5 साल बाद आपने जो है वहाँ पर जॉब करी, और उसके बाद आपके आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई लेक्चरर बनने की, ठीक है। और 5 साल बाद तक यहाँ पर आपकी सैलरी हो गई 1,15,000 लगभग, मान के चलो पर मंथ। और लेक्चरर में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, तुरंत आपकी सैलरी जो है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, चलो 1,20,000 ही मान लो, 1,20,000 हो गई, ठीक है। 1,20,000, क्योंकि इनिशियल है, स्टार्टिंग है, तो 1,20,000 जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। अब आप बताओ, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है पहला वाला, और एक ऑप्शन ये है दूसरा वाला। तो अब आपको इन दोनों में से तो कोई एक चूज करना पड़ेगा ना, ये सुन लो, सही है, सुन लो, आपको इन दोनों में से कोई एक तो चूज करना पड़ेगा भाई। अगर आप लेक्चररशिप करोगे तो आपको पीजीटी की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, और अगर आप पीजीटी में कंटिन्यू रहोगे तो आपको लेक्चररशिप छोड़नी नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से मुझे क्या करना है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कि जब दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनने के लिए हमें दूसरी चीज़ को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। खत्म कहानी, क्लियर है। और उसका जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला जाता है उसको, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनका जो रेशियो है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रेशियो नहीं होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रेशियो होता है। इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT भी बोला जाता है, तो ये इसका दूसरा नाम है। कई बार इसका फॉर्मूला दे देगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो कि ये हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये केवल समझाने के पर, रुक जा भाई एक सेकेंड देना, हो गया ठीक, एक सेकेंड। तो यहाँ पर एक मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड देना, आराम से करूँगा, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, मेरा कोई प्रोडक्शन है, इसको ओ पॉइंट मान लो, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कॉमोडिटी एक्स है या कॉमोडिटी वाई, कुछ भी मान लो, या इसका यूज़ 1 यूज़ 2, मैंने इसका शिफ्ट किया कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या कहलाया, ये कम हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरे लिए लॉस हो गया। तो लॉस चेंज इन वाई, लॉस चेंज इन वाई, ठीक है। अब तो जितना मैंने चेंज किया उतना ही ये क्या हो गया, ये आगे बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, इसमें फायदा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, गेन। तो जो हमारा लॉस है वो ऊपर आ गया, और जो हमारा गेन है वो क्या आ गया, नीचे आ गया। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ MRT, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, MRT या MOC, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। क्लियर होगी कहानी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधी सीधी सी एक कहानी है जिसके अंतर्गत आपको ये बताया जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, और इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, और ये किस तरीके से काम करती है, और इसका इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है। क्लियर है, बाकी आज के लिए केवल इतना ही है। कल हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, ये वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस करी थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी, अगर कहीं भी कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी दिया करो यार फीडबैक, है ना, अच्छा लगता है। और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबके साथ वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कनेक्ट हो सकें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।